नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मेड फॉर इंडिया। मेरा नाम है विक्रांत नंदा और माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि तीसरा एपिसोड अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम हो गया। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने सुना था कि दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, इररेगुलर प्रोडक्ट्स और रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट्स। अब दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने पूरा अच्छे से विस्तार में एक्सप्लेन करा था आप लोगों को कि रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट जो होता है वो होता है जो सालों साल से काफ़ी टाइम से मार्केट में बिक रहा होता है या फिर लोग खरीद रहे होते हैं या कंज्यूमर को उसकी आदत डली होती है, वो बिल्कुल रेगुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है जो बहुत फास्ट मूविंग होता है। और एक दूसरा होता है इनोवेटिव प्रोडक्ट, यानी आविष्कारी प्रोडक्ट, यानी कि जो आप नए सिरे से पूरे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, यानी नए तरीके से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। आज तक वो ना बिका है, ना किसी ने उसके बारे में सुना है। आप आविष्कार करके एक प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल ही नए तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो ये थे दो तरीके के प्रोडक्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दोनों में से रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट जो है वो हमेशा पहले आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कभी भी इनोवेटिव या आविष्कारी प्रोडक्ट से कभी शुरू मत करिए। उसका कारण मैंने आपको ये बताया था कि आविष्कारी प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेप्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या है, अगर आपको बनाना है वो प्रोडक्ट, तो उसको बनाने की जो मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी हो वो सालों साल से चलती आ रही होगी लोगों के पास या जॉब वर्क वालों के पास पहले से ही होगी। तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट डेवलप भी कर सकते हैं, और क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी टाइम से बिक भी रहा होता है तो कंज्यूमर को उसकी आदत लगी होती है। तो आप थोड़ा सा एक मार्जिन रख के अपना काम मैन्युफैक्चरिंग का कम से कम स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में, और वो बिकेगा भी थोड़ा जल्दी। तो ये थे दो तरीके के प्रोडक्ट। अब मैंने आपसे शेयर करा था कि इसके बाद का स्टेप क्या होगा। आपने एक रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आपने उस रेगुलर रनिंग प्रोडक्ट में रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग दोस्तों आजकल मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में बहुत फेमस हो रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग का सिंपल शब्दों में मैं आपको मतलब समझाता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट आपने मार्केट से एक पीस उठा लिया सैंपल के तौर पर और आपने कहा कि इस सैंपल को मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैं मार्केट में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा, खुद बनाऊँगा इस प्रोडक्ट को, आपने रिसर्च के लिए वो सैंपल ले लिया। अब सैंपल में आप रिसर्च करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर आप इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको बेचेंगे। तो यहाँ पे हम जोर दे रहे हैं मतलब कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है आपको। प्रोडक्ट आपके सामने है, फिज़िकल प्रोडक्ट होता है, जो फिज़िकल प्रोडक्ट के अंदर आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट को खोलना है, ठीक है। आप प्रोडक्ट को खोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे होते हैं, छोटे मोटे पार्ट्स लगे होते हैं या चाइल्ड पार्ट्स बोलते हैं इन्हें, जो छोटे मोटे पार्ट्स अंदर होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है तो अंदर छोटे मोटे पीसीबी बोर्ड्स लगे होते हैं। पीसीबी बोर्ड्स किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को समझ होती है कि ये किस तरह का, किस प्रकार का पीसीबी बोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है, तो वो आपको पूरी नॉलेज बता सकता है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है पीसीबी बोर्ड के अंदर, और ये कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सब चीज़ों की नॉलेज होती है, ठीक है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपके सर्कल में या आपके कॉन्टैक्ट्स में अगर कोई है तो आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं ये किस तरीके का पीसीबी प्रोडक्ट है। सिर्फ पीसीबी प्रोडक्ट नहीं, अगर नॉर्मल सिंपल प्रोडक्ट भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो आप अंदर मटेरियल क्या लगा है प्रोडक्ट का, प्लास्टिक है, पीपी है, नाइलॉन है, नाइलॉन 6/6 है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप, ये प्लास्टिक्स की बात हो रही है, स्टील भी हो सकता है अंदर, माइल्ड स्टील है, एल्यूमिनियम है, या फिर किसी और तरीके का मेटल या स्टील उस प्रोडक्ट में यूज़ किया गया है। आप उस प्रोडक्ट को खोल कर अंदर से आप चेक कर सकते हैं, और मटेरियल का, जो मटेरियल से रिलेटेड अगर आपको कुछ पता करना है कि ये मटेरियल कौन सा लगा है, सबसे बेस्ट आपको जो मार्केट के अंदर, आपके मार्केट के अंदर कोई डाई मेकर होगा या जो इंजेक्शन मोल्डिंग की डाइज बनाता होगा या मोल्ड्स बनाता होगा, आप उसके पास जाके पता कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल क्या लगा हुआ है।
या जो इंजेक्शन मोल्डिंग से प्रोडक्शन निकालने वाले काफ़ी लोग होते हैं मार्केट के अंदर, आप उनसे भी जाकर पता कर सकते हैं कि ये मटेरियल कौन सा है जो इस प्रोडक्ट के अंदर लगा है। जब आपको पता लग जाता है तो आप दूसरा तरीका इसको कंफर्म करने का ये कर सकते हैं कि आप इसको अपना मटेरियल कॉम्पोजिशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। मतलब आजकल हिंदुस्तान में लगभग हर जगह पे मटेरियल कॉम्पोजिशन टेस्टिंग की लैब्स हैं। हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में ही एक मटेरियल टेस्टिंग की लैब है, ठीक है, उसका नाम है सिटको। वहाँ पे वो लोग मटेरियल कॉम्पोजिशन की टेस्टिंग करते हैं कि इस मटेरियल में प्लास्टिक कितने मात्रा में है, सिलिकॉन कितने मात्रा में है और नाइलॉन कितने मात्रा में है। तो उससे प्रॉपर एक रिपोर्ट, जैसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट निकलती है कि आपके ब्लड टेस्ट में RBC इतने हैं, WBC इतने हैं, रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल इतने हैं, फलाना फलाना, है ना। तो वैसे ही एक रिपोर्ट निकाल के देते हैं वो ब्लड टेस्ट की तरह कि इसमें इतना सिलिकॉन है, इतना प्लास्टिक है, इतना नाइलॉन है। तो टोटल मटेरियल जो एक्चुअल मटेरियल है उसका ये है। एंड में कंक्लूजन में वो ये बताएंगे कि हाँ ये टोटल मिला के एक PP है, ठीक है। अब आपको पता लग जाएगा कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है। आपको ये पता है कि हमने उस मटेरियल का दाना प्रोक्योर करना है। दाना क्या होता है? दाना बेसिकली आपका जिस मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है ना, वो दाने के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे चीनी के दाने के बराबर होता है या कई बार उससे थोड़ा सा बड़ा भी होता है। उस दाने को पिघला कर मोल्ड या डाई के अंदर जब डाला जाता है और बहुत ही गर्म टेम्परेचर से उसको मोल्ड या पंच किया जाता है, तो उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट उस डाई या मोल्ड के अंदर से निकलता है, ठीक है। ये दाना बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इंडियन ऑयल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन ऑयल का अपना एक दाने का काम भी है, ठीक है। वो प्लास्टिक्स के दाने बहुत, इनमें बहुत डील करती है, ठीक है। और इनके इंडियन ऑयल वालों के दाने जो है प्लास्टिक्स के, नाइलॉन के, PPC के, PP के, हर तरह के प्लास्टिक मटेरियल के दाने मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और इनके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, आप ऑनलाइन गूगल या इंडिया मार्ट से पता कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको मटेरियल पता लग गया, ठीक है, आपने क्या करना है, अगर एक प्रोडक्ट है आपने उस प्रोडक्ट के डायमेंशन पता करने हैं, ठीक है, वर्नियर से या स्केल से या जो डाई बनाने वाला, मोल्ड बनाने वाला है, आप उसके पास जा सकते हैं, वो ये सारा काम उसका है, ठीक है। अगर आपको नहीं नॉलेज है इस बारे में तो आप उसी से करवाइए सारा A to Z। अब डाई वाला क्या करेगा, वो 3D ड्राइंग बनाएगा इसकी, ठीक है। 3D ड्राइंग वो इसलिए बनाता है ताकि जब वो डाई या मोल्ड बनाता है तो उतना ही डायमेंशन और इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो प्रोडक्ट की है वो मेंटेन रहे, जो कि बहुत ज़रूरी है क्वालिटी टेस्टिंग में, ठीक है। तो आप डाई वाले के पास जा सकते हैं। अब डाई वाला क्या करेगा, वो अपनी 3D ड्राइंग बनाएगा आपके प्रोडक्ट की, जो फिनिश प्रोडक्ट आपके हाथ में होता है, ठीक है। अब वो 3D ड्राइंग बनाएगा आपके सैंपल की। 3D ड्राइंग बनाने के बाद वो उस ड्राइंग को फॉलो करते हुए मात्र 2 या हो सकता है कभी-कभी 3 महीने भी लग जाते हैं एक डाई मेकर को बनाने में पूरी डाई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि डाई के अंदर चेंजेस होते हैं बनने के बाद, तो घबराना मत, ठीक है। शुरू में डाई कभी भी ठीक नहीं बनती है, ये एक पॉइंट और एक टिप आपको दे रहा हूँ मैं कि शुरू में पहली बार में कभी भी डाई ठीक नहीं बनेगी, ठीक है। उसमें बाद में 3 से 4 बार चेंजेस होते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट के डायमेंशंस मेंटेन रहें। तो आपने क्या करना है कि जब ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, आपकी डाई रेडी हो जाएगी 2-3 महीने बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, डाई को इंजेक्शन मोल्डिंग से जो प्रोडक्शन निकालते हैं, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग की अगर डाई है, ठीक है, तो आपने इंजेक्शन मोल्डिंग डाई से प्रोडक्शन निकालने वाले मार्केट में काफ़ी लोग हैं जिनके पास मशीन्स हैं, उस डाई या मोल्ड से वो लोग प्रॉपर फिनिश्ड पीस निकालते हैं। आपने दाना अरेंज करके प्रोडक्शन वाले बंदे को देना है, ठीक है। प्रोडक्शन वाला बंदा अपनी मोल्डिंग मशीन से प्रोडक्शन निकालना शुरू कर देगा इसकी। ये आपका एक तरह से फिजिकल प्रोडक्ट तैयार होके आ जाएगा आपके पास, जो कि एकदम जैसे आपके हाथ में अपने सैंपल था आपके, बिल्कुल वैसा प्रोडक्ट आप फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप फिर से हम लोग एक बार करते हैं। आपने मार्केट में एक प्रोडक्ट देखा, उस पर रिसर्च करी कि ये इतने का बिक रहा है और इसमें इतने परसेंट मार्जिन है। उस प्रोडक्ट का आप मार्केट से कहीं भी 1 या 2-3 पीस सैंपल अरेंज कर लीजिए,
सैंपल अरेंज करने के बाद आप किसी भी डाई मैन्युफैक्चरर पे जा के पता कर सकते हैं कि इसके अंदर मटेरियल क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक कौन सा है या स्टील का है तो स्टील कौन सा है, या अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से सलाह मशवरा कर सकते हैं कि ये पीसीबी बोर्ड जो है वो कौन सा लगा है, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या डालने चाहिए हमें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डाई मैन्युफैक्चरर पे। डाई मैन्युफैक्चरर आपके जो हाथ में सैंपल है उससे मिलता जुलता एक 3D ड्राइंग बना देगा। वो 3D ड्राइंग क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डाई मेकर आपकी प्रोडक्ट की पूरी डाई तैयार करके रख देगा, ठीक है। अब डाई के अंदर क्या है, आप मौका दीजिए डाई मेकर को, हमेशा पहली बार में कभी ठीक नहीं बनेगी डाई। डाई मेकर जो है वो 2 से 3 बार या कई बार 3 से 4 बार भी जो है उस डाई को दोबारा ठीक करेगा, क्योंकि उसमें चेंजेस होते हैं कई बार। एक बार में भी प्रोडक्ट ठीक निकल सकता है, पर ये बहुत चांस की बात होती है, जो कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद जब आपकी डाई रेडी है, आपने ओके कर दी कि अब डायमेंशन सब तैयार हैं, सारे डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ ठीक है, उसकी अंदर से बाहर से सारे कॉलम्स एकदम बराबर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस डाई को आपने मोल्ड मैन्युफैक्चरर के पास लेकर जाना है, जो इस मोल्ड के अंदर से प्रोडक्शन निकालते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन निकालने वालों को आपने दाना सप्लाई करना है, उसी दाने का मटेरियल, उसी मटेरियल के दाने का जो कि डाई मैन्युफैक्चरर ने आपको या आपकी टेस्ट रिपोर्ट में निकला था मटेरियल की, वही दाना वही मटेरियल आपने मोल्ड मैन्युफैक्चरर के पास जाके उसको सप्लाई करना है, ताकि वो उस मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग मशीन से एक फिनिश्ड फिजिकल प्रोडक्ट निकाल सके, ठीक है। इसके बाद आपके हाथ में एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा, जो आपने खुद रिसर्च करके खुद अपने बलबूते पे अपने दम पे जो है डाई मैन्युफैक्चरर के साथ टीम अप करके आपने प्रोडक्ट तैयार करा था, ठीक है। तो बहुत आसान है दोस्तों हिंदुस्तान में काम करना, बहुत एक्सपर्टीज़ है लोगों के पास, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोगों के साथ टाइम टू टाइम फॉलो अप करते रहिए, उनके साथ कंटिन्यूएशन में कोऑर्डिनेशन रखिए हमेशा। क्या होता है, कई बार कुछ वेंडर्स ऐसे निकल आते हैं जो कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो वेंडर हमेशा देख के चूज़ करिए, चाहे वो डाई मैन्युफैक्चरर हो या फिर डाई से निकाल जो प्रोडक्शन निकालते हैं वो प्रोडक्शन वाले हो, या फिर दाने का सप्लायर जो वो ठीक है, उसका रिव्यू ठीक है मार्केट में, ये सब चीज़ें चेक करके ही आप हमेशा जो है अपना फिज़िकल प्रोडक्ट तैयार करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए, ठीक है। और हमेशा आपने ध्यान रखना है, एक प्रोडक्ट एक दिन में नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है बनने में, उसकी रिसर्च होती है, और जब बनता है तो उसके बाद टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग हमेशा करिए, जब भी आपका प्रोडक्ट तैयार हो उसको टेस्ट करिए हमेशा। अब आप तसल्ली करेंगे टेस्टिंग के बाद तो ही उसको बेचना शुरू करिए, नहीं तो फिर बेचने आप बाद में जाओगे लेकिन कंप्लेंट आपको पहले आने शुरू हो जाएगी और आपकी कंपनी की इमेज ख़राब हो सकती है फिर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपके बिज़नेस या प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को कैसे आप हर जगह प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, मैं दोनों तरीके बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।